हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा फ्रेंड्स। आपने फ्रेंड्स इंडियन नेवी का अगस्त बैच की वैकेंसी भरी होगी फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो उस बैच की वैकेंसी अगस्त 2021 का एडमिट कार्ड कब जारी होगा फ्रेंड्स। जो एडमिट कार्ड है वो इशू होगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली है 23/7/2021 तक फ्रेंड्स। तो इसका मतलब जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो इशू होगा या फिर जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड इशू हो सकता है। आप तैयार रहिएगा। अगर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भरा है फ्रेंड्स तो आप तैयार रहिएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूँ एक और इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें भी कह रखा है द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट 23 जुलाई 2021। मतलब इस दिन तक इनकी मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए फ्रेंड्स, ये इनकी तरफ से दे रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपके 12th क्लास में अगर फ्रेंड्स इन्होंने एक और चीज़ कह रखी है, अगर इन्होंने सिर्फ 10,000 कैंडिडेट का ही नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे मेरिट के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने जो ये पूरी एप्लीकेशन में दिखा रहा हूँ उनकी नोटिफिकेशन, इसमें दे रखा है कि 10,000 कैंडिडेट को ही सेकेंड फेज में आपको अलाउ करेंगे ये लोग फ्रेंड। आप देख सकते हैं जिसके हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स होंगे 10+2 में फ्रेंड्स, उसके ज़्यादा चांसेस हैं फ्रेंड्स उसका एडमिट कार्ड इशू होने का फ्रेंड्स। क्योंकि जो ये वैकेंसी है इसके लिए आप पहले देख चुके हैं कि इसके लिए फ़ी जो है ज़ीरो, मतलब फ्री थी ये एप्लीकेशन फॉर्म। और जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है ये कोविड के वजह से इसका एडमिट कार्ड थोड़ा लेट भी इशू हो रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इनको जल्दी से सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि ये 23 जुलाई 2021 तक अपनी मेरिट लिस्ट दिखा सके फ्रेंड्स, और इसके बाद ताकि ये दूसरी वैकेंसी भी निकाल सके, क्योंकि इसका एक साल में दो बार फॉर्म निकलता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।